हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 थ्रिलर मूवीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन फिल्मों में आप सभी को सस्पेंस तो उतना नहीं देखने को मिलेगा, बट यार थ्रिलर जो है वो काफी कमाल का देखने को मिल जाएगा। ये फिल्म आप सभी को अंदर से काफी ज्यादा थ्रिल भी करेंगी। ये फिल्म यार काफी बढ़िया है। अगर आपको इस तरह की फिल्में देखना पसंद है तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 साइलेंस। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म के रिटोल में आप सभी को पल्लवी, ममूती, अपर्णा नायर और अनूप मेनन देखने को मिल जाते हैं। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 4.6 की रेटिंग दी है, जो कि एक एवरेज रेटिंग है। बात की जाए इस फिल्म के बारे में तो यार ये फिल्म काफी कमाल की है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को सस्पेंस तो ना बरके बराबर ही देखने को मिलता है, बट इस फिल्म का जो थ्रिलर होता है वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो यार इस फिल्म में आप सभी को एक वकील की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो यार अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और जल्दी वो और ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाला है। इसी बीच यार फिल्म में कुछ ऐसे यू टर्न आते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। वहां से ये फिल्म और भी ज्यादा गजब की थ्रिलर बन जाती है। तो यार ये काफी कमाल की थ्रिलर फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर हिंदी में मिल जाएगी, साइलेंस नाम से। नंबर 4 द डिजिटल थीफ। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में। फिल्म के रिटोल में आप सभी को आमला पोल, प्रसन्ना, बॉबी सीमा और भी कई सारे एक्टर देखने को मिल जाते हैं। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 6.7 की रेटिंग दी है, जो कि एक सुपर हिट रेटिंग है। बात की जाए इस फिल्म के बारे में तो यार ये भी एक काफी कमाल की थ्रिलर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को हैकिंग भी देखने को मिल जाती है। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो यार इस फिल्म में दिखाया गया है फेसबुक की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैसे यार हम लोग फेसबुक पे ट्रस्ट करके उस पर सभी चीजें अपनी सभी चीजें शेयर करते हैं और कैसे कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो यार काफी गहरे राज इस फिल्म में खोले गए हैं फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। तो यार काफी कमाल की फिल्म है। आप इस फिल्म को देखकर काफी सारी चीजें भी सीख जाएंगे। इस फिल्म में काफी बढ़िया सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 3 जेंटलमैन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में। फिल्म के रिटोल में आप सभी को निवेदा थॉमस, नानी, सुरभि, श्रीनिवास और वेलेना किशोर देखने को मिल जाते हैं। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 7.1 की रेटिंग दी है, जो कि एक सुपर डुपर हिट रेटिंग है। बात की जाए इस फिल्म के बारे में तो यार इस फिल्म में आप सभी को रोमांस के साथ साथ थ्रिलर देखने को मिल जाता है, जो कि और भी ज्यादा मजा आता है इस फिल्म को देखने में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को नानी के डबल लुक देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे उनके डबल लुक होते हैं और कैसे उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर क्या होता है, सभी इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म यार काफी कमाल की, मुझे यार काफी ज्यादा पसंद आई थी। खासकर इस फिल्म का रोमांस और थ्रिलर जो दिखाया गया ना, वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा था। तो यार इस फिल्म को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ये फिल्म आप सभी को YouTube पर ऑफिशियली तो नहीं मिलेगी, बट मैंने इस फिल्म को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ तो वहां से आप इस फिल्म को डाउनलोड करके देख सकते हैं। नंबर 2 डबल अटैक 2। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2015 में। फिल्म के रिटोल में आप सभी को जयाम रवि, नयनतारा, अरविंद स्वामी, गणेश और राहुल माधव देखने को मिल जाते हैं। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 8.4 की रेटिंग दी है, जो कि एक सुपर डुपर हिट रेटिंग है। बात की जाए इस फिल्म के बारे में तो यार इस फिल्म में आप सभी को थ्रिलर के साथ साथ एक्शन भी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को जयाम रवि एक IPS के रोल में देखने को मिलते हैं, वहीं अरविंद स्वामी जो है वो एक विलन के रोल में इस फिल्म में देखने को मिल जाते हैं। ये फिल्म यार ज्यादा खास बनाते हैं अरविंद स्वामी। जी हाँ दोस्तों, कैसे यार वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, विदेश से पढ़ाई करके आते हैं और काफी गंदे गंदे बिजनेस यहाँ इंडिया में चालू कर देते हैं, और कैसे उनके टक्कर देने के लिए जयाम रवि मैदान में उतरते हैं और फिर दोनों की भिड़ंत होती है और एंड में कौन जीतता है। इसी बीच फिल्म में काफी सारे ट्विस्ट और काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जो कि यार इस फिल्म को काफी खास बनाती है। तो यार ये फिल्म काफी बढ़िया, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो यार आपको जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर भी हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 1 दृश्यम। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म के रिटोल में आप सभी को मोहनलाल, मीना, अंशिबा, रोशन बशीर और भी कई सारे एक्टर देखने को मिल जाते हैं। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 8.4 की रेटिंग दी है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रेटिंग है। बात की जाए इस फिल्म के बारे में तो ये एक मस्त थ्रिलर फैमिली मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की तो भाई जितनी तारीफ की जाए कम ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखोगे ना तो इसका असर आपके अंदर एक दो दिनों तक तो रहने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतनी कमाल की ये फिल्म है। इस फिल्म का यार थ्रिलर जो है वो काफी ज्यादा ही हटके है। तो यार ऐसी फिल्में आपने शायद ही कहीं देखी होगी। तो यार काफी
कमाल की ये फिल्म है। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो यार इस फिल्म में आप सभी को एक फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिन लोगों से यार गलती से एक मर्डर हो जाता है, वो मर्डर क्यों होता है और फिर वो लोग उस मर्डर में फंसते हैं या नहीं, उसे छुपाते हैं और फिर उसे छुपाने के बाद सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो आपको मूवी के बिल्कुल एंड में रिवील होने वाला है। तो यार ये फिल्म काफी बढ़िया, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो बहुत ही पछताने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, तो यार इस फिल्म को जाकर देख लेना, ये फिल्म आप सभी को YouTube पर भी हिंदी में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी साउथ की बेस्ट थ्रिलर मूवीज। इनमें से आपको कौन कौन सी फिल्म बढ़िया लगी और आपने किस किस फिल्म को देखा, किसको नहीं देखा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इन सभी फिल्मों की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि हमें यार इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लाना चाहिए तो आप हमें जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।